मस्जिद अल हराम मक्कतुल मुकर्रमा और मस्जिद अल नबी मदीनतुल मुनव्वरा से खुतबे का उर्दू तर्जुमा के लिए हमारे सोशल नेटवर्क को फॉलो करना ना भूलें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। खुतबा जुमा मस्जिद हराम बतारीख 24 जुमादा अल अव्वल 1445 हिजरी ब मुताबिक 8 दिसंबर 2023 ईस्वी खतीब फजीलतुल शेख बंदर बलीला हाफिज़हुल्लाह उनवान कामयाबी तर्जमा वो आवाज़ सनाउल्लाह सादिक तैमी। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जो किताब को नाजिल करने वाला, खिताब को खोल खोल कर बयान करने वाला, दुरुस्ती के दरवाजे खोलने वाला और सवाब के दराए अता करने वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, ऐसी गवाही जिसमें न कोई शक है और न शुबा। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। अल्लाह ने उन्हें हक़ो हिदायत और आदाब के साथ मबूस किया। दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल हों आप पर, आपके आलो असहाब पर, ताबेईन पर और दुरुस्त तरीके से उनकी पैरवी करने वालों पर, जब तक के सराब चमके और बादल बरसे। अम्मा बाद, लोगो, मैं आपको और अपने आप को अल्लाह के तक्वा की वसीयत करता हूँ। अल्लाह आप पर रहम करे, अल्लाह का तक्वा इख्तियार करें कि तक्वा इख्तियार करने वाला और तौबा करने वाला कामयाब हुआ और बदबख्त शक करने वाला नाकाम हुआ। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व ताला का तक्वा इख्तियार किए रहो और अहले सिद्क की मईयत में शामिल रहो। मोमिनो, कामयाबी बुलंद मकसद और रोशन गायत है, उसी की तरफ अमल करने वाले गामजन हुए और उसी की वजह से जान की बाजी लगाने वालों ने जान की बाजी लगाई। कामयाबी दुनियावी या उखरवी सरफराजी और मकसूद को पाना है, दुनियावी कामयाबी दुनिया की लज्जतों और उसकी मरगूबात को पाना है, और उखरवी कामयाबी अल्लाह की रजा और उसकी जन्नत से फैजयाब होना है। और ज़हीनो फतीन और समझदार वो है जो अपनी खातिर जमा रखे और अपनी नजर को उखरवी कामयाबी की तरफ फेरे रखे, क्योंकि वही तमाम आरजुओं की गायत और तमाम उम्मीदों की इंतहा है। और उस कामयाबी और उस इंसान के दरमियान सिवाय कुव्वत अजीमत, एक घड़ी के सब्र और दिल के सबात के और कुछ नहीं। अल्लाह के बंदो, उखरवी कामयाबी ईमान और नेक अमल से ही हासिल की जा सकती है। अल्लाह ताला ने मोमिनों के ईमान और अमल की तारीफ की और फिर उन्हें कामयाब करार दिया, फरमाया यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह और नजात वाले हैं। और अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, रुकू सजदा करते रहो और अपने परवरदिगार की इबादत में लगे रहो और नेक काम करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और फरमाया, हाँ, जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक काम करे, यकीन है कि वो नजात पाने वालों में से हो जाएगा। उखरवी कामयाबी की बुनियाद दोनों शहादतें हैं जो इस्लाम का दरवाजा और मिल्लत की असल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, कामयाब हो जाओगे। इसे इमाम अहमद और इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है। जिसने अल्लाह के फराइज की पाबंदी की वो कामयाब हो गया। एक देहाती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इस्लाम के अहकाम के बारे में पूछा। आपने उसे बताया तो उस देहाती ने कहा, उस जात की कसम जिसने आपको इज्जत बख्शी है, मैं कुछ भी नफल नहीं करूंगा और न अल्लाह ने मुझ पर जो फर्ज किया है उसमें कुछ कमी करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने सच कहा है तो कामयाब हो गया। इसे बुखारी और मुस्लिम ने तलहा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है। कामयाबी तक पहुंचाने वाले फराइज में सर फहरिस्त नमाज है, जो इबादतों की असल और इताअतों का सुतून है और ये बुराई के मुहर्रिकात और उसके मुरग़बात से फेरने वाली है और शैतान की बलाओं और उसकी गुमराहियों से बचाने वाली है। इसलिए इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि उसके अजानो इकामत में कामयाबी की पुकार लगाई जाती है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली जो अपनी नमाज में खुशू
खुशू करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन बंदे से उसके अमल में सबसे पहले जिस चीज का हिसाब होगा वो नमाज है। अगर वो दुरुस्त रही तो वो कामयाब वो कामरान हुआ, और अगर वो ठीक नहीं रही तो वो नाकाम वो नामुराद हुआ। इसे तिर्मिजी ने रिवायत किया है। मुसलमानों, गुनाह और बुराई से पाकी इख्तियार करना और अल्लाह की जनाब में तोबा करना और रुजू इख्तियार करना कामयाबी की राह और दुरुस्ती की दलील है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ए मुसलमानों, तुम सब के सब अल्लाह की जनाब में तोबा करो ताकि तुम नजात पाओ। अल्लाह का जिक्र करने वाला और अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को याद रखने वाला फलाह के जराए इख्तियार करता है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ए ईमान वालों, जब तुम किसी मुखालिफ फौज से भिड़ जाओ तो साबित कदम रहो और बकसरत अल्लाह को याद करो ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। और फरमाया, सो अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ, और जिसने साहिबाने हुकूक को उनके हुकूक दिए उसने कामयाबी पाली। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, बस कराबतदार को, मिस्कीन को, मुसाफिर को, हर एक को उसका हक दीजिए, ये उनके लिए बेहतर है जो अल्लाह ताला का चेहरा देखना चाहते हों। ऐसे ही लोग नजात पाने वाले हैं। और नफ्स को शिर्क, जुल्म और बुरे अखलाक से पाक करना कामयाबी का मूजिब है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, जिसने उसे पाक किया वो कामयाब हुआ और जिसने उसे खाक में मिला दिया वो नाकाम हुआ। ऐ अल्लाह, हमें अपनी खुशनूदी की राहों पर चला और हमें नाराजगी की जगहों और अपने मुहर्रमात से दूर रख और हमें अपने तकवा शियार वलियों और कामयाब ग्रुह में से बना। आमीन। मैं वो कह रहा हूँ जो आपने सुना, और मैं हर गुनाह से अपने लिए, आपके लिए और बकिया सारे मुसलमानों के लिए मगफिरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मगफिरत तलब कीजिए, और क्या ही कामयाबी है इस्तिगफार करने वालों के लिए। तमाम किस्म की तारीफें अल्लाह के लिए हैं, और उसकी नेमतों और नवाजिशों पर उसका शुक्र है। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल हों आप पर, आपकी आलो असहाब पर, और दुरुस्त तरीके से उनकी पैरवी करने वालों पर, और बहुत ज्यादा सलामती हो। अम्मा बाद, ऐ मोमिनो, इंसान का नफ्स भलाई की तरफ बढ़ने और उसे पीछे हटने के बीच रहता है। भलाई की तरफ बढ़ने से तातों में मुतवज्जे होने का फायदा मिलता है, और पीछे हटने का इलाज फराइज और थोड़े नवाफिल पर इन्हेसार से किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अमल में नशा तो चुस्ती होती है, और हर चुस्ती और नशात में ठहराव होता है। तो जिसका ठहराव मेरी सुन्नत की तरफ हो वो कामयाब हुआ, और जिसका ठहराव किसी और तरफ हो वो हलाक हुआ। इसे इमाम अहमद ने अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है। सुनो, क्या ही खुशबख्त और शादकाम होगा जिस दिन वो अपनी मीजानों को देखेगा कि नेक आमाल वाले पर्दे भारी हो गए हैं और गुनाहों और हिलाकत खेज आमाल वाले हल्के हैं। वहीं कामयाबी होगी, वहीं कामरानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, फिर जिस शख्स का पलड़ा भारी होगा सो ऐसे लोग कामयाब होंगे। ये बातें नहीं, और दुरूद व सलाम भेजो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह पर, जिन्हें अल्लाह ने जहानों के लिए रहमत और तमाम मखलूकात के लिए रहनुमा बनाकर भेजा। ऐ अल्लाह, दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमा आप पर, आपकी तैयबो ताहिर आल पर, मुमिनों की माएं आपकी बीवियों पर, और ऐ अल्लाह तू राजी हो जा अइम्मा हुनफा, चारों खुलफा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से, और तमाम आलो असहाब से, और दुरुस्त तरीके से ता कयामत उनकी पैरवी करने वालों से, और उन्हीं के साथ अपने एहसानो करम से हमसे भी। ऐ अकरमल मुकरमीन, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, दीन के किले की हिफाजत कर, और अपने मोमिन बंदों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों में परेशान हाल लोगों की परेशानी दूर कर, गमजदा लोगों के गम दूर कर, कर्जदारों के कर्ज अदा करवा, हमारे और मुसलमानों के मरीजों को शिफा दे तू अपनी रहमत से। ऐ अरहमुर रहीमीन, ऐ अल्लाह हमें अपने वतन में अमन से नवाज, हमारे सरबराहों और हुक्मरानों की इसलाह फरमा, हमारे सरबराह और हुक्मरान की हक तौफीक और इसलाह से मदद कर। ऐ अल्लाह उन्हें और उनके वली अहद को उसकी तौफीक दे जिसमें मुल्क और बंदों की भलाई हो। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह सरहदों पर तैनात हमारे सिपाहियों को तौफीक याब कर। ऐ अल्लाह तू इनका मुईन व नसीर और मददगार व हामी हो। ऐ अल्लाह फलस्तीन में हमारे मोमिन भाइयों पर रहम कर। ऐ अल्लाह तू उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान और अपनी हिफाजत व एहसान में ले ले। ऐ अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर और उसे ता क़यामत इज्जत व रिफ़त और क़ुव्वत में रख। ऐ अल्लाह नफ्सों को तक़वा अता कर, उनका तज़किया करके तू ही उनका सबसे
से अच्छा तस्किया करने वाला है, तू ही उनका वली और मौला है। अल्लाह हम तुझसे दुनियावी उखरवी सारी भलाई मांगते हैं, जिन्हें हम जानते हैं वो भी और जिन्हें हम नहीं जानते वो भी, और हम दुनियावी उखरवी सारी खराबियों से तेरी पनाह चाहते हैं, जिन्हें हम जानते हैं उनसे भी और जिन्हें नहीं जानते उनसे भी। हमारे परवरदिगार तू हमसे कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है, और हमारी तौबा कबूल फरमा, तू तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम करम करने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में नेकी दे और आखरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें अजाब जहन्नम से नजात दे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला अदल का, भलाई का और कराबतदारों के साथ सुलूक करने का हुक्म देता है, और बेहयाई के कामों, नाशाइस्ता हरकतों और जुल्म ज्यादती से रोकता है। वो खुद तुम्हें नसीहतें कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो। अल्लाह अजीम व जलील को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करेगा, और तुम उसकी नियमतों और एहसानों पर उसका शुक्र बजा लाओ, वो तुम पर मजीद इनायत करेगा। बेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, तुम जो कुछ कर रहे हो उससे अल्लाह खबरदार है।